स्वागत है आपका हमारे चैनल डीआर स्टडी पॉइंट में। तो हम आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा जो भी पिछले वाला वीडियो होगा हम लोगों का वो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, ठीक है। आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब भी किया है, ठीक है, और इसी तरह आगे करते भी रहिएगा। अब आपका जो भी क्वेश्चन है, मेरा मेमोरी बेस्ट क्वेश्चन जो एसबीआई के एग्जाम्स में ये कल जो पूछा गया उसपे हम लोग क्या, कुछ लोगों ने हमको बताया कि ऐसा क्वेश्चन आया था सर, ऐसा क्वेश्चन आया था तो उसमें हम लोग एनालिसिस किए हैं और पैटर्न आपका सेम है। बस हो सकता है आपका सिर्फ डेटा चेंज हो, है ना, क्योंकि उतना लोगों को याद नहीं रहता है कैसे दिए, कितना दिए एग्जाम्स में और किस टाइप का क्वेश्चन था, डेटा उसका सेम क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या डेटा अपने हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट किए हैं और जो आपका पैटर्न होगा एकदम सेम पैटर्न होगा। तो आप लोग के लिए एक छोटा सा सवाल लेकर आए हैं, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया एकदम, और इस वीडियो को हो सके नहीं एकदम श्योर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों तक हो उतने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि उनको भी फायदा मिल सके हमारे सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस में आपको लिखा गया है कि स्फेरिकल अरेंजमेंट इन द शेप ऑफ पेंटागन, ठीक है, इनसाइड ए पेंटागन इन अ सर्किल एंड इनसाइड अ सर्किल देयर इज अ ट्रायंगल। मतलब क्या है आपका, पहले हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन में क्या कि आप एक सर्कल होगा उसपे आठ लोग बैठेंगे या फिर चार लोग बैठेंगे, लेकिन उसके बाद क्या है कि डबल सर्कल वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा। तीसरा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि आपका तीन तीन फिगर दिया है। कहने का मतलब है कि पहले आपका पेंटागन दे दिया, दूसरा आपका सर्कल दे दिया, तीसरा आपका दे क्या दिया, बीच में ट्रायंगल दे दिया। तो सबसे ऊपर आपका पेंटागन रहेगा, फिर आपका सर्कल रहेगा, फिर आपका ट्रायंगल रहेगा, सबका एज होगा एक, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि देयर आर एट पीपल, ए से लेकर एच तक दिया गया है ना, देयर आर एट पीपल जो है वो सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर, मतलब आपका फेस जो है सेंटर की ओर है और वो आपका एक सर्कल पे बैठे हुए, ठीक है। थ्री क्वाइंस आर टॉस्ड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, मतलब तीन क्वाइन को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट के हिसाब से, ठीक है। चलिए सम पीपल आर मूविंग फ्रॉम द सर्कल टू पेंटागन एंड ट्रायंगल। अब क्या है कि पहले तो सर्कल पे आपके आठ लोग थे, अब आठ लोगों के बाद क्या है कि जब उसका रिजल्ट आता है तो हम लोग के पास तीन क्वाइन है, क्वाइन समझ रहे हैं, एक हेड और एक टेल जिसमें होता है, ठीक है। तो उसी क्वाइन को क्या किया जाता है, उछाला जाता है, टॉस किया जाता है और उसके हिसाब जो रिजल्ट आता है उसी के हिसाब से आपके जितने भी सर्कल में लोग बैठे होंगे वो आपका मूव करेंगे ट्रायंगल में, वो आपका मूव करेंगे पेंटागन में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है कि एज आर डिनोटेड बाय वन एंड टू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब आपका एज जो है किनारा जो है वन टू थ्री फोर से डिनोट किया जाएगा, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अरेंज ऑफ पीपल इन अ सर्कल, अब क्या पीपल को अरेंज करना है एक सर्कल में, तो हम लोग देख लेंगे क्या कितने आदमी है, ठीक है, कितने आदमी, तो आदमी यहाँ पे आठ है, आदमी यहाँ पे कितने है मेरे, तो हम लोग ये क्या करेंगे यहाँ पे आठ आदमी लेंगे, ठीक है, ये हम लोग आठ आदमी को यहाँ पे अरेंज करेंगे और सबका फेस क्या होने वाला है, इनसाइड होने वाला है। चलिए उसके बाद इसमें क्या दिया गया क्वेश्चंस में, इसमें देखा क्या गया है कि ए इज नॉट एडजेसेंट टू एच, ए जो है वो एच का एडजेसेंट नहीं है, मतलब आपका इमीडिएट नेबर नहीं है। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड सी, मतलब जो एच है आपका वो एच और सी का, सॉरी जो एच है आपका वो आपका एफ और सी का जो है वो इमीडिएट नेबर है, ठीक है। चलिए और एच जो है वो आपका ये का इमीडिएट नेबर नहीं, तो हम लोग पढ़े होंगे क्या कि जो भी आपका इंग्लिश में डब्ल्यू से शब्द स्टार्ट होता है, जैसे हु, हुज, विच, वो हमेशा किसके लिए आता है, सेकेंड पर्सन के लिए आता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा किसके लिए आता है, सेकेंड वाला पर्सन के लिए आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी है आपका, ठीक है, जैसे एंड और बट कॉमा हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए आता है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले पर्सन के लिए। और हिंदी में क्या है कि हिंदी में जो भी आपका ज से स्टार्ट होगा वो हमेशा सेकेंड वाले पर्सन के लिए है, जैसे कि जो, जिसका, जिसे, हमेशा सेकंड वाले पर्सन को डिनोट करता है। इवन कि यहाँ पे अगर कॉमा भी हो तो वो फर्स्ट वाले पर्सन को डिनोट करेगा, जैसे हिंदी वाले में कि तथा, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये आपका तीन चार पांच चीज जो है वो और,
हमेशा आपको फर्स्ट वाले को डिनोट करता है इंग्लिश वाले में, है ना, आपका जो जिसका जिसे, है ना, वो आपका सेकंड वाले को डिनोट करता है, और इंग्लिश वाले में हु हुज व्हिच हुम सारे आपके डब्ल्यू से स्टार्ट है, तो जो भी आपका डब्ल्यू से स्टार्ट है वैसा जो है आपका सेकंड वाले को क्या करेगा, फॉलो करेगा। चलिए अब क्या है क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि ए इज नॉट एडजेसेंट टू एच हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड सी, मतलब एच जो है वो एफ और सी का इमीडिएट नेबर है, तो मान लो हम कहीं से उठाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बनना मेरे पास एक ही फिगर है, बनना कितना है मेरे पास एक ही फिगर बनना है, कोई भी एक सेटिंग अरेंजमेंट का दो सोल्यूशन नहीं होगा, यह हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर दो सोल्यूशन होगा तो कंडीशन ऑफ फिगर और हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन देखकर पता चलेगा, है ना। चलिए तो एच यहाँ लिखेंगे तो इसका एफ और सी इमीडिएट नेबर यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी दो बात बराबर है क्योंकि सबका फिर इनसाइड है और सबका लेफ्ट राइट क्या होने वाला मेरा बराबर होने वाला है। चलिए उसके बाद क्या है, हु इज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, मतलब सी जो है वो एच के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, तो कंफर्म है कि यहाँ एफ बैठेगा और यहाँ क्या बैठने वाला है मेरा सी बैठने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है क्या कि G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ C, मतलब G जो है वो C के क्या है दाएं दूसरे स्थान पे, तो एक दो यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपका G बैठ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फिर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है कि A इज इमीडिएट राइट ऑफ E, मतलब A जो है आपका E का इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, E की इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ अगर ए होगा तो यहाँ ई होगा, तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ ई होगा तो यहाँ भी आपका क्या ई होने वाला है, ए होने वाला है, मतलब दो दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, तो पॉसिबिलिटी को छोड़ के हम लोग आगे पढ़ेंगे, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी ना लेना पड़े हमको। चलिए फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बी इज द फॉन्ट ऑफ बी, बी जो है वो डी के सामने है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, जो आपका ठीक एफ के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो F के लेफ्ट में आपका D बैठ जाएगा, D के ठीक सामने आपका B बैठ जाएगा, और E के राइट में आपका क्या होने वाला था A होने वाला था, इतना तो कंफर्म है कि A होने वाला था, तो ये सारा आपका क्या है बैठ जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है देयर आर सम नंबर ऑफ टॉफी इन एट पीपल है, मतलब कुछ नंबर ऑफ टॉफी भी आपका अरेंज है, ये भी वेरिएबल आपका दिया है, तीन फिगर आठ लोग और आपका नंबर ऑफ टॉफी वेरिएबल दिया है, है ना, कि कुछ लोग कुछ आपका टॉफी नंबर ऑफ टॉफी कुछ लोगों के पास है। फिर क्या है कि 22 23 24 25 26 27 28 29 मतलब आपका इतने सारे टॉफी जो नंबर ऑफ टॉफी है वो हमको अरेंज करना है। नोट में क्या लिखा गया है कि द नंबर आर सेम ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर टू द सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या है कि हम लोग पढ़े थे क्वेश्चंस में क्या हम लोग क्वेश्चंस में पढ़े थे क्या कि आपका जो भी डेटा दिया गया है वो नॉट इन सेम ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में दिया गया उसी ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका कि जिस ऑर्डर में दिया गया है उसी ऑर्डर में अरेंज होगा, वो भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब और आसान है मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रॉब्लम है कि हम कहीं ना कहीं एक तो क्लू मिलना चाहिए हमको कि कहां से लोग स्टार्ट करें, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे वेयर एफ का जो टॉफी है वो सात कम है एच के टॉफी से, मतलब एफ का जो टॉफी है वो सात कम है एच के टॉफी से, और मेरे पास डाटा क्या है ये 22 23 24 25 26 27 28 3 3 6 2 8, है ना, मतलब सात कम है एच के टॉफी से एफ का टॉफी, तो सात कम है तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है सात कम होने का, 7 2 9 मतलब 22 और 7 29 हो जाएगा, तो मैटर तो यही खत्म है क्योंकि ये आपका हो जाएगा 22, ये हो जाएगा आपका 23, क्यों, क्योंकि हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 7 का डिफरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आगे भी सेटिस्फाइड होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा क्वेश्चंस का स्टेटमेंट लिखा गया होगा। तो लिखा है कि डी के पास जो टॉफी है वो 3 ज्यादा है जी वाले के पास है, तो जी के वाले के पास 25 और 3 ज्यादा होता है। चलिए तो ये सेटिस्फाइड हो गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब हम लोग चलते हैं इसके इंस्ट्रक्शन पे, इसके स्टेप पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया, फिर आपका अगला स्टेटमेंट है नाउ क्वाइन इज टॉस्ड एंड पेपर आर मूविंग स्टेप। अब क्या है क्वाइन को उछाला जाएगा, उछालने के बाद आपका
कुछ जो लोग हैं वो क्या करेंगे, आपका मूविंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप और आपका फिगर बाय फिगर, ठीक है। चलिए स्टेप फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, अब देखो क्या कि तीन पॉइंट को अगर उछाला जाएगा तो मेरे पास 8 पॉसिबिलिटी बनेगा। हम लोग मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है, हम लोग के पास क्या है 8 पॉसिबिलिटी बना होगा, 8 पॉसिबिलिटी बना। तो पॉसिबिलिटी को क्या क्या हो सकता है, ये एच एच हेड 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 हो सकता है, फिर आपका हेड हेड टेल हो सकता है, फिर आपका हेड टेल हेड हो सकता है, फिर आपका यहाँ टेल 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 हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, और हेड टेल टेल हो सकता है। ये आपका पॉसिबिलिटी बन रहा है कि अगर तीन पॉइंट को एक साथ क्या है उछाला जाए, अगर आपका तीन पॉइंट को एक साथ उछाला जाए तो, ठीक है। अब क्या है, हम आगे पढ़ते हैं, हो सकता है कि ये वाला जो पॉसिबिलिटी है उससे कोई मतलब हो भी नहीं आपका स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में, या फिर आपका हो भी सकता है। फर्स्ट वाला क्या लिखा है कि हेड ऑन द फर्स्ट क्वाइन, हेड ऑन द फर्स्ट क्वाइन एंड सेकेंड क्वाइन टेल एंड थर्ड क्वाइन, है ना। मतलब आपका फर्स्ट वाला में क्या है कि फर्स्ट वाला में हेड होना चाहिए, फर्स्ट वाला में हेड होना चाहिए और सेकेंड और थर्ड वाले में टेल टेल होना चाहिए। तब क्या करना है हमको कि who has, यहाँ पे the person with least number of toffee moved to triangle is one and facing outside the center। हम लोग एक चीज भूल गए कि यहाँ हम लोग को क्या करना है, ट्रायंगल भी अरेंज करना है, ट्रायंगल भी अरेंज करना, और एक हम लोग को पेंटागोन भी अरेंज करना है, और एक हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग को पेंटागोन भी अरेंज करना है। हो गया आपका पेंटागोन अरेंज हो गया। ऊपर वाले में क्या लिखा था कि जो भी आपका एज होगा एक दूसरे डिनोट करेंगे, और डिनोट करने का उसको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में उसको मूव करेंगे, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, हम लोग मूव करेंगे, यहां से हम लोग उठाते हैं 1 2 3 4 5, यहीं से लेंगे हम लोग 1 2, और ये सारा आपका एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या लिखा कि द पर्सन विद लीस्ट नंबर ऑफ टॉफी मूव टू ट्रायंगल ऑन एज फर्स्ट फेसिंग द सेंटर। तो एज फर्स्ट में जो क्या है वो आपका फेसिंग द सेंटर अरेंज हो जाएगा। कौन अरेंज हो जाएगा वहां पे, जिसके पास नंबर ऑफ टॉफी सबसे कम है, जिसके पास नंबर ऑफ टॉफी क्या है सबसे कम है। तो नंबर टॉफी सबसे कम किसके पास है, एच के पास, उसके पास 22 नंबर ऑफ टॉफीज है, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या लिखा है यहाँ पे कि हेड ऑन ऑल द क्वाइंस, इससे कोई मतलब नहीं लग रहा है तो बस जो मेरा लास्ट वाला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है वो क्या है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। चलिए सेकंड क्या है यहाँ पे, द पर्सन हु हैज नंबर ऑफ टॉफी मोर देन 3 एंड लेस देन 25, मतलब 23 से ज्यादा और 25 से कम, मतलब क्या 24 होने वाला है, 24 जो आपका मूव टू पेंटागन एंड एज 2 एंड फेसिंग द सेंटर, पेंटागन एज 2 फेसिंग द सेंटर 24 वाला, तो बी आपका यहाँ पे और आपका 24 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका तीसरा वाला स्टेप क्या बोल रहा है यहाँ पे, टेल ऑन द फर्स्ट, छोड़ो इसको कोई फर्क नहीं। उसके बाद लिखा है क्या कि द पर्सन हु हैज परफेक्ट स्क्वायर मूव्स टू ट्रायंगल ऑन एज 3 फेसिंग द सेंटर। ट्रायंगल में एज 3 के पास मूव करता है कौन, जो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 25 ही है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा। चलिए स्टेप 4 में क्या लिखा कि टेल ऑन ऑल द क्वाइन द पर्सन हु हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफी मूव थर्ड टू द राइट ऑफ विद इन द सर्कल एंड फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। कहने का मतलब है कि आपका जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफी है वो क्या कर रहा है कि सर्कल में ही थर्ड टू द राइट क्या है वो अपना प्लेस रिप्लेस कर रहा है, तो 1 2 3 मतलब ये बी के प्लेस पे आ जाएगा और इसका जो होगा वो नंबर ऑफ टॉफी कितना हो जाएगा 29, और इसका फेस कहाँ होने वाला है आपका आउटसाइड होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टेप 5 में क्या लिखा है यहाँ पे, द पर्सन हु हैज टॉफी इन ए क्यूब मूविंग द पेंटागन एज 4 एंड फेसिंग द सेंटर। 4 के पास जाएगा, है ना, और क्यूब होना चाहिए, मतलब परफेक्ट क्यूब 27 हो जाएगा इसका, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 6 वाले में,
टेल ऑन द फर्स्ट हेड एंड हेड ऑन द सेकेंड एंड थर्ड, मतलब टेल आपका फर्स्ट वाले में आना चाहिए टॉस करने के बाद और दूसरे तीसरे वाले में आपका हेड आना चाहिए, तो ये मूव्स टू द पेंटागन ऑन इट्स फर्स्ट, है ना, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, मतलब फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, और आपका ई क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या लिखा है फिर आपका कि नोट अदर विच आर नॉट मेंशन इन अ स्टेप आर सिटिंग इन अ सर्कल ऑन द प्रीवियस पोजीशन एंड फेसिंग द इनसाइड द सेंटर, मतलब क्या है इस चीज के बारे में आपका मेंशन नहीं किया गया वहां पे, वो आपका सर्कल में ही अरेंज हो जाएगा, है ना, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, जैसे कि आपका डी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है ना, आपका फिर बाकी के बारे में चर्चा किया गया आपका, तो जो जो जहां है वैसे ही क्या हो जाएगा, वही पैटर्न हो जाएगा जिसके बारे में कोई भी आपका कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो ये आपका परफेक्ट सॉल्यूशन हो गया इस वीडियो का, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस की ओर आते हैं, यहाँ पे व्हाट इज द क्वेश्चन लिखा पहला वाला है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी इन पेंटागन आफ्टर टॉस द क्वाइन, बी का पोजीशन पेंटागन में क्या टॉस होने के बाद, ठीक है, तो क्या है आपका सेकंड वाला आंसर, क्या हो जाएगा सेकंड पोजीशन। फिर क्या है कि हु इज सिटिंग बिटवीन इन पेंटागन फिफ्थ एंड सेकंड नंबर ऑफ टॉपिक, मतलब क्या लिखा हुआ सिटिंग बिटवीन पेंटागन पोजीशन, मतलब पांचवा और दूसरा, पांच और दो के बीच में कौन बैठा हुआ है, दो के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, तो आपका बैठा हुआ है ई और इसके पास नंबर ऑफ टॉपिक कितना है 26, ये एक आंसर हो गया। लिखा क्या हुआ सिटिंग ट्राइंगल इन पोजीशन थर्ड, थर्ड वाले पे कौन बैठा हुआ है ट्राइंगल पे, तो आपका जी बैठा हुआ जिसके पास 25 नंबर ऑफ टॉपिक है। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ आफ्टर रीअरेंज द सर्कल, एफ का पोजीशन क्या है सर्कल में रीअरेंज करने के बाद, इमीडिएट राइट ऑफ क्या हो सकता है सी, और इमीडिएट राइट ऑफ सी है, तो आप लोगों से यही कहना था कि इस वीडियो को एकदम पढ़ाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करवाओ, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिन लोगों को मेंस लेवल का क्वेश्चन चाहिए, जो लोग बैंकिंग में इंटरेस्टेड है, जो लोग हमारे वीडियो में इंटरेस्टेड है, जिन लोगों को समझ में आता है, बस एक बार आप लोग वीडियो शेयर करो और बतलाओ सबको कि यहाँ मेंस लेवल का कोर्सेस बताया जाता है। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से, और हम लोग अच्छे अच्छे कोर्सेस भी लेकर आ रहे हैं, आप लोग का वीडियो कंटिन्यू अपलोड होते रहेगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको शेयर करवाओ और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।